सारे रिव्यूज़ देखती है, आई फॉलो एवरीबडी, अनुपमा, सुचित्रा, राजीव मसंत, तो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि जनरली क्रिटिक्स अवार्ड्स, हर अवार्ड शो में एक स्लॉट होता है या दो स्लॉट होता है, तो आई एम एक्साइटेड फॉर देम एंड अंधाधुन और बहुत सारी ऐसी फिल्में जो मुझे पसंद है, आई होप उनको मिले अवार्ड. आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट इट. मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है मेरी एक विश लिस्ट है सारे खान्स के साथ काम करना, धीरे धीरे वो पूरी हो रही है, बट या आई एम एक्साइटेड. Sweet thing which Vijay Verma has said, and it's very practical as well, because I think we all come from the same not only school of thought but also I think school of acting for that matter, even when Vijay is you know my senior from theater. But having said that, I really want to say that you know another reason that these awards and these people are important, because number one, see, every profession has certain kind of credibility attached to it. And you always need to have whatever you're doing, be it acting or be it direction or be it, you know, music direction, you need to have some process to understand that you're going right or you're going wrong. So these are the people who are guiding all of us through, and the kind of people attached to this award function are definitely one of the best in the business, are definitely the most respected ones, and are definitely the most experienced ones. I'm expecting fairness. And at the same time, the films which have been appreciated by the critics, obviously most of them are deserving, and I'm sure these deserving films and deserving actors will be given the award. Well, I'm as happy as a father as a father should be. This is the first time Critics Choice Awards is happening, right? I'm really excited about this. This is, I think, a legit award we have finally. क्रिटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मतलब मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जिसका कोई नहीं है टैलेंट का, उसका क्रिटिक है. तो आई एम हेयर टू काइंड ऑफ पे माई सपोर्ट टू क्रिटिक्स हु बीन वेरी काइंड. एंड जब मुझे कोई नहीं जानता था तब मुझे क्रिटिक्स जानते थे, तो मैं हमेशा एक चीज़ को याद रखूँगा और मैं बहुत अपने दिल के करीब रखता हूँ इनके वर्ड्स को. कुछ नहीं है, मैं भी नॉमिनेटेड हूँ, बट और भी जो हमारे साथ के लोग नॉमिनीज हैं सब बहुत बढ़िया हैं, ब्रिलियंट हैं, तो किसी को मिले मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी. सब डिजर्विंग और टैलेंटेड लोग हैं. इसके लिए एक अभिनेता का वही इम्पोर्टेंस है जो एक फसल के लिए मौसम का होता है, कि बारिश नहीं होगी तो ही फसल बर्बाद हो जाते हैं, और धूप ज़्यादा हो जाए तो ही बर्बाद हो जाते हैं. ऑफकोर्स इट फील्स लवली. और ये जो पहला क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स है फॉर फीचर फिल्म्स एज वेल, आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि मैं इस पहली अवार्ड फंक्शन में शामिल हूँ. एंड या इट ऑलवेज फील्स नाइस जब आप क्रिटिक्स से प्यार मिलता है, तो वेदर यू लाइक जो कहे, मैं रिव्यू पढ़ती हूँ ना पढ़ती हूँ, मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है. सो या इट फील्स ग्रेट टू बी हियर. नहीं, देखिए, आई थिंक एवरीबडी, ये जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री, एवरीबडी ट्राइज टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. जो हम करना चाहते हैं हम वो करने की कोशिश करते हैं. कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी नहीं होता है, एंड दैट्स ऑल्सो समथिंग फॉर अस टू लर्न, पिकअप द पीसेज एंड मूव ऑन. ऐसे नहीं है कि हर दिन सूरज बाहर आता है, कभी कभी तो बारिश हो गई. सो या इट्स ऑल लर्निंग फॉर एवरीबडी. एनालाइज तो मैं नहीं करूँगी, बिकॉज आई थिंक दैट समथिंग दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. जब जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, एंड व्हेन द ऑडियंस डज नॉट एक्सेप्ट अ फिल्म, देन द फिल्म शुड नॉट डू वेल. दैट्स जस्ट द वे इट इज़. और हमें बस एक्सेप्ट करके आगे यू नो ट्राई एंड कम बैक एंड ट्राई एंड यू नो मेक श्योर दैट नॉट डिसअपॉइंटेड नेक्स्ट टाइम. अगर मैं ऐसी हूँ, देन माई फैमिली इज 10 टाइम्स मोर mature and stronger than I am. I तो मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है, you know. I just want to be happy, positive, work hard, you know, be a better version of myself every day. लोग क्या कहे क्या ना कहे, I should not pay attention to it, and everybody has a right to, you know, to say what they want to say. I'm actually really happy to be here. I feel like it's so important that we're giving our critics the due respect that they deserve, because I think their opinions do matter a lot.
and this is completely their evening and their choices, and I'm here to be with them and to tell them that I actually do read a lot of what they write and I do listen to a lot of what they say, so I'm happy to be here for that. Actually, I don't know what has been nominated, but I'm going in there. I know that there are nominations across the country, and because this last year and a half I've also done films down south, so I'm really happy to be here for that. Mujhe nominations nahi pata, I'm going to go in.